सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। सफलता वे प्राप्त करते हैं जो नम्र हैं, जो झुकते हैं, जो सेवक बनते हैं, जो विरोधियों को क्षमा कर देते हैं, जो शांत रहते हैं और जो दूसरों का भला चाहते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आज का पंचांग 22 नवंबर 2020 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 10:51 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 11:09 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 22 नवंबर 2020 दिन रविवार, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास था लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगी। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच ले क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आप वर्तमान समय में सीमित महसूस कर सकते हैं। अभी आप एक नई शुरुआत की खोज में हैं। अपने बाहरी रूप का मेकओवर भी आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है, तो प्रतीक्षण करें और मजा लें। इस नए चरण में खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वासी और मजबूत रहें। खुद पर विश्वास और प्रियजनों का प्यार आज आपको ऑफिस में प्रशंसा का पात्र बनाएगा। कर्तव्यों और दायित्वों के बीच एक प्रेम और नफरत जैसा संबंध है, इसलिए सब्र से काम लें। अगर हम चाहे तो आत्मविश्वास और परिश्रम के सहारे भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भाग्य स्वयं लिख देगी। सितारों तथा पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। सावधानियां, घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी के कारण तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि समस्याओं को दोनों पक्ष की बात सुनकर सुलझाया जाए। अभी आय के साधनों में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी व्यस्तता की वजह से जीवन साथी का परिवार की देखभाल के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध भी मर्यादा पूर्ण बने रहेंगे। आप इस समय निराश अनुभव कर रहे हैं। आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं। बात करते हैं करियर की। आप अपने को शांत रखें क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपा खो सकते हैं। कुछ भी क्रोधित तरीके से ना बोले कि किसी के वो आक्रामक या गलत लगे। इस समय इस बिंदु पर अनभिज्ञ रहें और बाद में एक परिकृष्ट तरीके से अपना रोष बाहर निकालें। आप खुश रहें क्योंकि आपने काफी धन एकत्रित कर लिया है।
जो कि आप विलासिता से भरी वस्तु पर खर्च कर सकती हैं। इस समय मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने की भी स्थिति रह सकती है, परंतु यह समय धैर्य और संयम बनाकर ही रखने का है। इस समय अपनी पूरी ऊर्जा व्यवसाय संबंधी नीतियों में परिवर्तन लाने में लगाएं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएगी। बात करते हैं सेहत की। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित ना हो। अब से मैं आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गुड़ का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।